is all about rich brioche. So let's start the process. Flour, yeast, sugar, just mix it. Now milk. यहाँ पे जो हमने मिल्क डाला हुआ है इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे, ठीक है? Now we'll add. अब इसमें हम ऐड करेंगे एग, ठीक है? और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एग मिक्सचर को. तो ये डो को अच्छे से हम नीड कर चुके हैं, यू कैन सी राइट. अब यहाँ पे हम अब ये डो में हम मिक्स करेंगे बटर स्लोली ग्रेजुअली करके. हमें ये पूरा बटर इसमें मिक्स करना है. बस कंटिन्यूसली आपको मिक्स करना पड़ेगा. थोड़ा सा हार्ड वर्क है इसमें, लेकिन बटर मिक्स करने में उतना टाइम लगेगा नहीं आपको जितना कि आप नॉर्मली नीड करते हैं. सो ये है हमारा ब्रियोश का रिच डो, बोल सकते हैं आप एनरिच्ड डो, राइट? देख रहे हैं स्ट्रेचबिलिटी है ना, और शाइन कितना अच्छा शाइन कर रहा है ना ये. अभी तो इतना और बटर बचा है हमारा यूज करना है. ये एक प्रॉपर स्ट्रेचिंग कर रहा हूं जैसे कि जो ग्लूटेन अच्छे से डिवेलप हो और बटर अच्छे से मिक्स हो, राइट? नीडिंग और हमारे जो टेक्निक्स है स्ट्रेचिंग का, ये काफी इंपॉर्टेंट है. नीडिंग इज ऑल अबाउट एन आर्ट. नीडिंग एक्चुअली एक आर्ट है जो हमें एक अच्छी तरह से आना जरूरी है. अब देख रहे हैं यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हो रहा है एंड देख रहे हैं आप ईस्ट का काम चालू हो चुका है. कैन सी स्मॉल बबल. हमें एक अच्छा सा प्रोडक्ट मिले लास्ट में, वो आपका प्रॉपर नीडिंग से ही मैटर करता है, प्रॉपर नीडिंग पे ही निर्भर करता है, ठीक है? देख रहे हैं हमें यहाँ से विंडो पिन दिख रहा है, राइट? कितना अच्छे से ग्लूटेन डेवलपमेंट हुआ ना. ये है हमारा इंपॉर्टेंट ग्लूटेन फॉर्मेशन, राइट? लुक्स सो गुड ना. ये हमारा लास्ट बैच ऑफ बटर. ये हो गया अच्छे से मिक्स. ये दिख रहा है आपको विंडो पिन यहाँ पे है ना, अच्छे से विंडो पिन रेडी हो गया. सो अब क्या करेंगे, अब हमें इसको स्ट्रेंथ देना है. किसको? ग्लूटेन को स्ट्रेंथ देना है. द लास्ट नॉट द लीस्ट मिक्स करेंगे सॉल्ट. बनाएंगे एक अच्छा सा बॉल, ठीक है? वाओ, सो नाइस ना. ऐसा भी मोज़रेला बॉल बन गया. यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बटर लगा लिया है
ठीक है, जैसे कि जब इसको रखूंगा मैं, जब ये अच्छे से प्रूफ होगा तो जो डो है उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो प्रूफ होने में, राइट? मींस डबल इन साइज। इसमें ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब इस वे में हम एक वेट डैम्प क्लॉथ ढक देंगे, ठीक है, और इसको कम से कम हम छोड़ेंगे एक घंटा के लिए, अच्छे से प्रूफ हो जाए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्रियोश, डिलीशियस ब्रियोश का प्रोसेस, राइट? ये हो गया अच्छे से प्रूफ, राइट? अब करेंगे हम ब्रियोश का आगे का प्रोसेस, राइट? यहाँ पे मैंने 88 करके पोर्शन मैंने डिवाइड किया हुआ है, जो कि टोटल 6 पीसेस है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इस वे में बनेगा हमारा मेन फाइनल प्रोडक्ट। सो इसको हम लेंगे, ये काफी रिच डो है और बहुत ज्यादा टेंडर होता है ये। कितना अच्छा क्लीन बना ना ये। अब यहां से मैं थोड़ा सा बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। इसी वे में सर्कल को हम यहां पे रख देंगे अंदर, ठीक है, इसमें हम अंदर रख देंगे। अब क्या करेंगे, छोटा सा जो है, ठीक है, यहां पे इसको बीच में प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड ब्रियोश रेडी, और इसी वे में हम ये सबको बनाएंगे, राइट? इसी साइज में बनाएंगे, इसे पोक, ये हो गया हमारा ब्रियोश का ट्रे रेडी, ठीक है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे कम से कम आधा घंटा, जैसे कि वो अच्छे से शेप ले ले, उसके बाद करेंगे हम इसको बेक, ठीक है। तो इसको मैंने रखा हुआ था 25 मिनट्स के लिए, अच्छे से प्रूफ हो गया। अब इसको हम करेंगे बेक, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है 185 और यहाँ पे मैंने डबल रॉड दिया हुआ है, और इसको हम देखेंगे 25 मिनट्स के लिए, ठीक है, एक अच्छा कलर आ जाए उसके बाद हम इसको निकालेंगे। विल वेट फॉर द डिलिशियस ब्रियोश। ये है डिलीशियस ब्रियोश रेडी, राइट? अब यहाँ पे एक पे थोड़ा सा बटर है मेरे पास, इसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे, ठीक है। लुकिंग सो गुड, राइट? आराम से निकल रहा है ना, क्योंकि ये काफी एनरिच डो है, इसीलिए हमें इसको ग्रीस नहीं करना पड़ा था। ऊपर से मैंने ये नॉनस्टिक वाला ट्रे यूज किया हुआ, ठीक है, इसीलिए मैंने उसमें ग्रीस नहीं किया होता, और प्लस इसमें ऑलरेडी काफी बटर है तो हमें ग्रीस करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये है हमारा डिलीशियस ब्रियोश। अब इसको ठंडा होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ, ठीक है। विल वेट फॉर 15 मिनट्स फॉर कूल डाउन। अब इसको निकालेंगे, कितना परफेक्टली बेक्ड हुआ है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ से अच्छे से बेक हुआ है, राइट? राइट, और इसको देखते हैं इंटीरियर। This is delicious. Perfect, right? इसे भी बनाएगा आप भी soft, delicious brioche bread, right? और बताइएगा कैसे लगा आपको ये brioche. I'll see you in the next delicious recipe, right? Till then, enjoy brioche. Bye bye.